नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। और इस समय मैं हूं दोस्तों ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का कार्य कर रहा हूं। और मैं बता दूं अभी जिस लोकेशन पे मैं हूं दोस्तों, यह लक्ष्मण झूला से लगभग 200 या 300 मीटर आगे है। जी हाँ दोस्तों, या पीछे भी कह सकते हैं, मतलब कह सकता हूँ कि लक्ष्मण झूला जो है इधर बिल्कुल, मतलब उस साइड जिधर कैमरा है उस साइड 200 मीटर आगे जाएंगे तो आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा। बाकी एक खूबसूरत सा एक बीच है, जी हाँ दोस्तों, गंगा बीच जिसे कह सकते हैं। और जहाँ तक मैंने गूगल पे सर्च किया था तो पाया कि इसे गोवा बीच भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, ये देखें। बाकी बीच बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं जिसपे बैठ करके लोग पढ़ने लिखने का भी कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, यहाँ से माँ गंगा का काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ से निखर करके सामने आ रहा दोस्तों। बाकी सामने एक टेम्पल आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है, नदी के किनारे पर बना हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल आकार के पत्थर भी हैं। और इस माँ गंगा में पास में ये खूबसूरत सा बहुत ही विशाल झरना गिर रहा है इसमें, उसको भी मैं दिखाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और खूबसूरत मंजर है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सीन, और ये बिल्कुल एक बीच की तरह से है। जी हाँ दोस्तों, और मैं क्लियर तो नहीं बता सकता लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इसी का नाम है गोवा बीच। जी हाँ दोस्तों, गोवा बीच इसी का नाम है, और काफ़ी खूबसूरत मंजर है दोस्तों। और दोस्तों इसी एरिया में रिवर राफ्टिंग भी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस वक्त बंद है रिवर राफ्टिंग, क्योंकि पानी का स्तर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गति से बहाव है और जल का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त काफ़ी ख़तरा है, इस वजह से रिवर राफ्टिंग वगैरह सब कुछ बंद है। जी हाँ दोस्तों, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो माँ गंगा में ऋषिकेश में परफॉर्म की जाती हैं, और एडवेंचर के शौकीन लोग जो रिवर राफ्टिंग करते हैं उनको इस वक्त आएंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि रिवर राफ्टिंग इस समय बंद है। क्योंकि दोस्तों माँ गंगा में बिल्कुल इस समय जल का स्तर बढ़ चुका है, लगातार बरसात के कारण माँ गंगा जो है खतरे के निशान के आसपास प्रवाहित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा दोस्तों। और पहाड़ों को देखें, अभी शाम का टाइम हो चुका है दोस्तों, और खूबसूरत पहाड़ों को यहाँ से मैं दिखाता हूँ। और ये बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ पर आप बैठ करके ध्यान वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पर योगा वगैरह भी परफॉर्म किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ योगा की एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है दोस्तों, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं, बीच में माँ गंगा की जो ठंडी ठंडी एहसास है दोस्तों वह आप बिल्कुल महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, और पानी का स्तर बढ़ चुका है, नहीं तो दोस्तों मैं वहाँ तक जाता। वो जो सामने पत्थर का ऊंचा टीला दिख रहा है ना, बिल्कुल वहाँ तक जाता, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप बाय रोड जा सकते हैं ऊपर से, बट यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि जल का स्तर बिल्कुल किनारे तक चढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सामने देख सकते हैं माँ गंगा बिल्कुल गर्जना के साथ प्रवाहित हो रही हैं। और ये लोकेशन मैंने बता दिया दोस्तों कि लक्ष्मण झूला से 200 मीटर और आगे आप आएंगे तो इस लोकेशन पे आप आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी अभी एक बार मैं इस पत्थरों के ऊपर चलता हूँ, वहाँ से मैं इस खूबसूरत सीन को दिखाऊँगा। तो दोस्तों ये जो खूबसूरत सा विशाल आकार का पत्थर का टीला था उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको बैक साइड का व्यू। ये देखें काफ़ी प्यारा व्यू है दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू, और काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है माँ गंगा का। और वो जहाँ पे वाइट कलर की बनियान पहने हुए एक बंदा दिख रहा, वहीं पे वो झरना प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, वहीं पे वो झरना आकर के माँ गंगा में मिल जा रहा है। बाकी इधर से शायद ही आपको दिख रहा होगा, वहीं से वो झरना गिर रहा है और उस हाइट से आ रहा है वो झरना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ दोस्तों। और ये विशाल पत्थर आप देख सकते हैं जिसको माँ गंगा ने तोड़ करके बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया है, आप देख सकते हैं माँ गंगा की तेज़ धाराओं ने इनको तोड़ करके एक खूबसूरत आकार देने का प्रयास किया है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दोस्तों। शाम का टाइम है दोस्तों, यहाँ पे शाम के टाइम में ही आना ज़्यादा सुखदायक होगा, ज़्यादा लाभकारी होगा दोस्तों। खूबसूरत पहाड़ों का दृश्य, और ये आप देख सकते हैं
इस ऊँचे टीले पर मैं आ चुका हूँ, जिसको मैं अभी वहाँ से दिखा रहा था, बिल्कुल वहाँ से, वो जो बालू का बीच है वहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा था दोस्तों। और खूबसूरत माँ गंगा का दृश्य यहाँ से आप देखें, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों माँ गंगा का। तो ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेसेस को मैं खूबसूरती के साथ एक्सप्लोर करने का कार्य कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी ज़िम्मेदारी है। पूरी वीडियो को देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो जाए, आपसे छूट ना जाए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है बेल आइकन दबाने से, जिससे मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको पता चल जाता है और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत दृश्य, ऊपर हरे भरे पहाड़ और नीचे माँ गंगा बहुत ही ठंडक प्रदान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ठंडक का माहौल है इस टाइम यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, माँ गंगा का खूबसूरत प्रवाह आप देखें। कैमरे को बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो विज़न है बिल्कुल क्लियर आए। और वहाँ पे एक खूबसूरत सा झरने का भी प्रवाह हो रहा है दोस्तों, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा अभी वहाँ पे चल के। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पे कुछ लोग स्नान करने का भी कार्य कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है दोस्तों माँ गंगा का, तो वहाँ तक चलूँगा। वो सामने देख रहे हैं वो वाले जो बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर लोग बैठे हुए, वहाँ पर चलूँगा और वहीं पर उस वीडियो को समाप्त करूँगा, क्योंकि वहाँ से नए वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। वहाँ से मैं दोस्तों बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास का सीन दिखाऊँगा। यहाँ से आपको हल्का हल्का लक्ष्मण झूला ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन लक्ष्मण झूला के पास में एक बहुत ही खूबसूरत सा घाट बना हुआ है, उसको दिखाऊँगा उस वीडियो में, और साथ ही साथ लक्ष्मण झूला को बिल्कुल पास से दिखाऊँगा, तो वो वीडियो अलग होगी, नई होगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में आप देखें, बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा ये देखें। बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ इस पत्थर के टीले पर और बाकी ये देख सकते हैं खूबसूरत सीन, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा दोस्तों माँ गंगा का, माँ गंगा के वैलीज़ का, माँ गंगा की पहाड़ियों का। माँ गंगा की पहाड़ियाँ हरी भरी आपको दिख रही होंगी। बिल्कुल शाम के टाइम में दोस्तों बादल बिल्कुल नहीं है, बादल बिल्कुल भी नहीं है, जो क्लियर व्यू आ रहा है माँ गंगा के पहाड़ियों का दोस्तों। और बाकी ये देखें, जिस पत्थर के टीले पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें एक बार इसको ज़रा ध्यान से देखें। माँ गंगा ने इसको बिल्कुल, कहते हैं ना दोस्तों, उनकी धाराओं ने इसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं माँ गंगा की धाराओं ने इसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर डाला है, इस खूबसूरत से पत्थर के टीले को। लेकिन दोस्तों यह क्षतिग्रस्त होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा माँ गंगा का और साथ ही साथ माँ गंगा के पहाड़ियों का दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों अभी उस झरने के पास मैं आपको लेकर के चलता हूँ, उस झरने के पास लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों यही वो वाटरफॉल है जिसको मैं नीचे से दिखाने का प्रयास कर रहा था, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धाराओं के साथ बहता हुआ माँ गंगा में जा कर के समाहित हो जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है दोस्तों, और इसका जल का जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल A1 क्वालिटी का जल है, और इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आप बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में स्नान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी पास में चलता हूँ वहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ ये झरना प्रवाहित हो रहा है, और इसमें जो जल की क्वांटिटी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। और झरना क्यों प्रवाहित होता है मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों, हिमालय पर्वत पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, हिमालय पर्वत पे जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघलती है, और पिघलने के बाद इसी तरह से पानी का रूप लेकर के दोस्तों वह नीचे आती है, और इसीलिए इसे वाटरफॉल बोलते हैं। और हिमालयी नदियों का भी निर्माण ऐसे ही होता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी खूबसूरत झरना देखें, बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, ये देखें। और यहाँ से ये झरना होते हुए माँ गंगा में समाहित हो जा रहा है, तो चलिए अभी थोड़ा और माँ गंगा के पास चलते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी दूसरे एंगल पे आ गया हूँ,
अभी कुछ देर पहले ऊपर से इस झरने को मैं दिखा रहा था जहाँ से ये गिर रहा था, और अभी थोड़ा और नीचे आ चुका हूँ। अभी दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार माँ गंगा में जाकर के समाहित हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है, हर एक एंगल से सब कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, हर एक खूबसूरती दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों माँ गंगा की। झरना कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जाके मिल रहा है, सब दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, प्यार ज़रूर दीजिए चैनल को। काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है दोस्तों माँ गंगा का, और एक खूबसूरत झरना। अभी तक मुझे एक भी झरना नहीं मिला था दोस्तों ऋषिकेश हरिद्वार में, लेकिन और जब एक झरना मिला भी दोस्तों ना, तो बिल्कुल दिल खुश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस झरने ने मेरा दिल खुश कर दिया, आपका भी दिल खुश हो गया होगा इस झरने को देख करके। बाकी देख सकते हैं, और कुछ देर पहले वो जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो जो पत्थर का टीला है उस पे मैं था, वहाँ से वीडियो दिखा रहा था, और अभी मैं दूसरे छोर पे आ चुका हूँ, यहाँ से मैं वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, वहाँ पे कुछ लोग आप देख सकते हैं माँ गंगा के साथ बिल्कुल इंजॉय करते हुए, माँ गंगा के रेत में माँ गंगा के जल के साथ इंजॉय करते हुए, आप भी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा है दोस्तों, और माँ गंगा का जो खूबसूरती है, इनकी हिमालय की जो खूबसूरती, पर्वतों की खूबसूरती है दोस्तों, शाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। चलिए थोड़ा और पास चलता हूँ दोस्तों। अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ पे था जहाँ पे वो झरना, बिल्कुल जहाँ पे झरना और माँ गंगा का मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे मिलन पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखें, ये जो रेत है ना दोस्तों, ये बिल्कुल दलदल है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक बंदा था, वो बिल्कुल कमर के इतना जो अंदर घुस गया था, वो सामने आप गड्ढा देख भी सकते हैं। तो काफ़ी दलदल है ये, और माँ गंगा का तेज प्रवाह देखते हुए हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और ऊपर जो है धूप, नीचे छाँव, गजब का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, गजब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी देखें, ऊपर के पहाड़ों पे धूप है, नीचे छाँव है, एक अलग तरह का कलर उभर कर के आ रहा है दोस्तों, एक अलग तरह की सुंदरता निखर कर के आ रही दोस्तों। चलिए अभी आगे चलते हैं इन पहाड़ों पे चलते हुए, काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ आपको, इस पहाड़ों पर जब भी आप, ये पत्थरों पर जब भी आप चलें, तो इस बात का ध्यान रखें, इस पर फिसलन बहुत होती है। अगर बरसात हो जाती है ना दोस्तों, तो इस पर फिसलन बहुत होती है, तो इसलिए आप जब भी दोस्तों इस पे चढ़ें, तो इस बात का ध्यान रख के चढ़ें कि फिसलन तो नहीं ना कहीं है। बाकी मैं देखता हूँ, रास्ता ढूंढता हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं सब तरफ गीला ही गीला है। जूता पहना हूँ इस वजह से प्रॉब्लम, नहीं तो अभी तक मैं निकल गया होता, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से एक बार सीन दिखाता हूँ आपको मैं, और मैं वहाँ तक जाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों, बाकी खूबसूरत मंज़र मुझे यहाँ से जाने तो नहीं दे रहा है, लेकिन चलना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं उधर से आ चुका हूँ एक स्टेप, और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता चलूं दोस्तों आपको, ये जो पत्थर है ना, ये देखें, माँ गंगा की बहाव की वजह से बिल्कुल कट करके नुकीले हो चुके हैं, तो इसलिए इस पर नंगे पांव तो नहीं चलें तो बेहतर होगा। ये पैर में चुभ सकते हैं आपको, और पैर में धंस जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ये देखें, बहुत ही बड़े बड़े आकार के पत्थर हैं दोस्तों, जिन पर से मैं चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और एक बार यहाँ से मैं चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ आपको माँ गंगा का, और ये आप देख सकते हैं मैं उधर था, और इन पत्थरों से होते हुए बिल्कुल एक एडवेंचरस पाथ है, होते हुए दोस्तों मैं इधर आ चुका हूँ, और अभी वहाँ आगे भी चलते हैं। वो जो वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, वहाँ पे चल के दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। बाकी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ एडवेंचरस पाथ, नहीं तो आप कहोगे कि वीडियो को कट करके दोस्तों मैं कोई आसान सा पाथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँगा और वहाँ पहुँच के फिर दिखा दे रहा हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल इन बड़े बड़े पत्थरों पे मैं चल रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक खूबसूरत और एक रोमांचकारी रास्ते, एक एडवेंचरस रास्ते को फॉलो करते हुए मैं बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास आ चुका हूँ। सामने लक्ष्मण झूला भी आपको दिख रहा होगा। तो अभी आपको माँ गंगा के पास लेकर के चलता हूँ और यहीं पे इस वीडियो को करूँगा समाप्त। अभी चलिए इस सामने वाले पत्थर पर चलते हैं। तो ये देखें, माँ गंगा का प्रवाह यहीं पे देखें और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे करूँगा समाप्त। और उस सामने एक खूबसूरत सा घाट है, वहाँ पे मैं एक छोटी सी नई वीडियो बनाऊँगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। शाम के टाइम में और भी ज़्यादा नज़ारा खूबसूरत हो जाता है दोस्तों, माँ गंगा का और माँ गंगा की पहाड़ी का। जी हाँ दोस्तों, तो पहाड़ियों को देखें, ऊपर की चोटी पर दोस्तों धूप लग रही है और नीचे छांव है, इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दोस्तों माँ गंगा की वैलीज़, माँ गंगा की पहाड़ियाँ। और ऋषिकेश के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस को ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ और इस समय ऋषिकेश में ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे भी जो है देवप्रयाग, देहरादून में भी जा करके मैं एक्सप्लोर करने का काम करूंगा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे, हर हर महादेव।